दोस्तों आज के वीडियो में हम घाघरा टाइप लेटेस्ट बाजू डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बाजू की कटिंग की है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच रखी है। अब हमें सबसे पहले इसके बीचों बीच इस तरह से नाखून से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद में मैं यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, तो उसको हमें इस तरह से बीचों बीच लगा देना है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूवी डिज़ाइनर। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ इसी चैनल पे लेटेस्ट वीडियो बाजू डिज़ाइन के लेके आता हूँ। अब देखिए हमें इसको इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें इसको तैयार कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़े उसकी हमें कटिंग कर देनी है और उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ कपड़े ले लिए हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर चौकोर कपड़े कट किए जिसकी मैंने यहाँ पर लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। तो इनको मैं इस तरह से ट्रायंगल में तिरछा फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें इसको लगाना है। सभी को इसी तरह से हमें लगा लेना है यहाँ पे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे में इस तरह से ये लगा लिए हैं और अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करनी है। तो इसको हमें इस तरह से यहाँ पर लगाना है। पहले हमें यहाँ पर इस तरह से इसको उल्टा करके एक सिलाई लगानी है। और अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। देखिए मैंने इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है और अब हमें यहाँ पर झालरिया बनानी है। तो हमें यहाँ पर कपड़ा कट करना है तो इसकी चौड़ाई हमें यहाँ पर 4 इंच रखनी है और लंबाई में आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो पहले हम इसको एक तरफ से यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर फोल्ड कर लिया है और अब हमें दूसरे साइड से यहाँ पर छोटे छोटे चुन्ने डालने हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर 2 झालरी और तैयार कर ली हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 1 कलर की और यहाँ पे दूसरे कलर की 2-3 झालरी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। और अब हमें यहाँ पर एक चौड़ा कपड़ा लेना है। तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है और लंबाई में हमें आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब देखिए हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक हमें दूर दूर चुन्ने डालने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक और दूर दूर डालने हैं बिल्कुल। और अब हमें यहाँ पर ये वाले चुन्नर को यहाँ पर लगा देना है। और हमें यहाँ पर दूसरे साइड में भी इसको लगा लेना है। तो इसको हमें इस तरह से रखना है
और पहले हमें यहाँ पर एक सिलाई लगानी है, इसको हमें झालरी को उल्टा रखना है और उस कपड़े को हमें सीधा रखना है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। और उसके बाद में हमें जो दूसरे कलर की यहाँ पर झालरी तैयार की है तो इसको भी हमें यहाँ पर इस तरह से लगा देना है। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से बीचों बीच लगाना है बराबर में। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर तीनों यहाँ पर झालरें तैयार हो गई है और अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है और यहाँ पर हमें एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए हमें यहाँ पर चौकोर कपड़े लेने हैं तो इसकी मैंने यहाँ पर लंबाई 4 इंच रखी है और चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें बीच में से इसको गेप छोड़ना है, दोनों तरफ हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें दोनों तरफ सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। अब इसको हमें यहाँ पर सीधा कर लेना है और सीधा करके इनके कोने निकाल लेने हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि मैं रोज इस चैनल पे ऐसे ही बाजू डिजाइन के वीडियोज लेके आता हूँ। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर ये बटरफ्लाई तैयार कर लेनी है और इसी तरह की हमें यहाँ पर 2 बटरफ्लाई तैयार करनी है और अब हमें इसको इनके ऊपर इस तरह से लगा देना है बीचों बीच। अब देखिए हमें यहाँ पर ये मोती लगा लेने हैं इस तरह से, तो इसी के साथ में हमारी यहाँ पर बाजू डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।